हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूँगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूँगा। तो जी, ये जो आज हमारी वीडियो है, ये है होम विजिट के ऊपर। हमारे को बहुत सारे यूजर कमेंट करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, टेलीग्राम करते हैं कि भैया होम विजिट इसके ऊपर वीडियो बनाओ। तो होम विजिट एजेंट क्यों करता है, कब करता है और कितने करते हैं? ये होम विजिट दोस्तों आपके ना केस की एज के ऊपर होता है, जिसको वो लोग बकेट कहते हैं। तो 0 से 30 दिन क्रॉस करने के बाद ये आ जाता है 0 बकेट में। जीरो बकेट में आ गया। 31 दिन से 60 दिन क्रॉस करने के बाद 1 बकेट में। 61 से 90 दिन क्रॉस करने के बाद बकेट 2। इसमें क्या होता है, पहली बकेट में दोस्तों ये आपसे कोशिश करते हैं पैसे निकालने की। आपने दे दिए, ठीक है, नहीं दिए तो 60% इंटरेस्ट आप पे एप्लीकेबल हो गया ईयरली। आप फर्स्ट टाइम आपकी पेमेंट डिले हुई है या 0 बकेट में है तो आप 60% ईयरली चार्ज लगा दिया। आप इसको मंथली अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये 5% आ जाता है, जो कि बहुत है। नॉर्मल अगर आप बैंक का इंटरेस्ट देखेंगे तो वो नॉर्मल से नॉर्मल होता है आपका 8 से लेके 12 या 15 मान लो आप, जो कि मंथली बैठेगा आपका मोटा मोटा 1.25% मान लो। लेकिन ये जो क्रेडिट कार्ड के केसों में 5% और जो NBFC बैंक होती हैं वो भी 5% 6% चालान। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, पहले वाले 0 वाले में ये लोग आपसे नॉर्मली फॉलोअप करेंगे, हाँ जी सर आपकी पेमेंट डिले है ये वो, ज़्यादा डंडा नहीं करेंगे। ज़्यादा डंडा क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 5% इनको इंटरेस्ट मिल रहा है। सेकंड बकेट में, मतलब फर्स्ट बकेट में जब आपका केस आएगा तो ये क्या होता है, यहाँ पे ये आपको डंडा करना शुरू कर देंगे, क्योंकि अगर इसमें भी पेमेंट नहीं आई तो ये सेकंड बकेट में पहुँच जाएगा। इसमें आपको ये कॉल पे कॉल करने शुरू कर देंगे। ये आपके जो बैंक है वो अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं कॉलिंग का। कोई आपको अनलिमिटेड कॉल करेगा, कोई एक एजेंट हायर होगा वही कॉल करेगा, किसी में आपको 10 एजेंट कॉल कर देंगे। तीसरा आता है दोस्तों बकेट, इसको बकेट 2 बोलते हैं, 61 से 90 दिन। इसमें दोस्तों इनके पास इतना डंडा होता है क्योंकि 90+ ना, 90 से अगर प्लस हो गया आपका तो ये NPA हो जाएगा आपका अकाउंट। तो ये इसको NPA में जाने नहीं दे, मतलब इनका मोटिव होता है कि NPA में ना जाए, क्योंकि NPA में अगर ये चला गया तो वो कहीं ना कहीं, NPA का मतलब होता है कि वो बैंक का पैसा डूब गया और वो उनको अपनी बैलेंस शीट में लॉस में दिखाना पड़ता है। जितना लॉस में दिखाएंगे उतना बैंक के लिए वो घाटे का सौदा है कि इस बैंक का इतना NPA हो रहा है। जैसे अभी एक बैंक डूबा था, मैं नाम नहीं लूँगा, वाई से होता है बैंक, वाई से था, और उसका क्या हुआ, वो दिवालिया होने के कगार पे आ गया तो लोगों ने पैसे निकालने शुरू कर दिए। तो वो दिवालिया क्यों होते हैं, क्योंकि अगर 25% से ऊपर NPA हो गया ना तो वो बैंक ख़त्म माना जाता है। उसमें क्या होता है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो अपना पैसा निकालना शुरू कर देते हैं, तो ये क्राइसिस हो जाता है वहाँ पे। तो ये इसको NPA नहीं जाने देंगे 90 दिन, मतलब ये आपका 61 से 90 दिन। तो इतना डंडा करेंगे आपको, इतना डंडा करेंगे कि आप पागल हो जाएंगे। अब दोस्तों ये विजिट कब करते हैं, ये विजिट करते हैं नहीं इस वाले में नहीं करते, इसमें तो ये विजिट करते हैं दोस्तों
31 से 60 वाले में। इसमें नॉर्मल विजिट होगी, बंदा आएगा कि जी आपका पैसा है, नॉर्मल तरीके से। लेकिन यहाँ भी वो गलती क्या करते हैं जो हम लोग इतना नोटिस भी नहीं करते, क्योंकि हमारे साथ क्या होता है, कोई हम जन्म से अधिकार से तो डिफॉल्टर नहीं है, हम कोइंसिडेंट से डिफॉल्टर हैं, तो हमें नहीं पता होता हमारे अधिकार क्या है। यहाँ पे बंदा आएगा आपके पास, आपसे नॉर्मल बात करेगा, हाँ जी सर पेमेंट है ये वो। यहाँ पे होना क्या चाहिए, ऑथराइजेशन लेटर, हम विजिट कर रहे हैं, तभी तो पता लगेगा बैंक ने इसको हायर किया है, हमारे केस पे काम कर रहा है। दूसरा आईडी कार्ड, ये दो चीज़ हमें मांगनी है, तब उससे बात करनी है कि हाँ जी मैं आपको पहचान गया, आपको मेरे केस पे असाइन किए गए, अब बताइए, उससे तब बात करनी है। यहाँ पे नॉर्मली बंदे दे देते हैं पेमेंट, लेकिन जो फाइनेंशियली क्राइसिस में है, जिनके पास है ही नहीं, वो क्या करेगा, वो क्या करेगा कि जी पेमेंट है नहीं सर, मैं दे नहीं पाऊँगा, जो भी वो फ़ोन स्विच ऑफ कर लेगा या जो भी बहाने बनाएगा वो बनाएगा, या वो लोकेशन से भी चला गया। अब जी बारी आती है आपके थर्ड स्टेप में, 61 से 90 दिन। यहाँ पे इनके पास बहुत डंडा होता है, ये जो एजेंट आते हैं इनके साथ साथ बैंकर भी असाइन हो जाता है, असाइन तो शुरू से ही रहता है लेकिन यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है कि जी आप जाके देखो क्या दिक्कत है। यहाँ पे आपके साथ जो विजिट करने आएगा वो बैंकर भी आएगा, सेम कहानी, जब ये आए तो आपको ये चीज़ें मांगनी है, जी दोनों चीज़ दिखाओ, तभी तो मैं रिकॉग्नाइज कर पाऊँगा हाँ जी आप बैंक की तरफ से हो, या ऐसे ही कोई कहीं से डेटा मिल गया आपको, मेरे पास आ गया आप। यहाँ पे आएगा एक एजेंट, एक बैंकर, ये आएगा दोस्तों। तो जनरली लोग क्या करते हैं, इनसे बात करते हैं, ये चीज़ तो मांगी लो आप, जनरली इनसे बात करेंगे कि हाँ जी कैसे है, क्यों है, ये आपको डराएगा, आपका आपके पास लीगल एक्शन हो जाएगा। ये हालांकि बैंकर होता है, ये गलत वर्ड इस्तेमाल नहीं करेगा आपसे, तमीज़ वाले से ही डराएगा ये कि जी ऐसे होगा, आपके पास आपके लीगल कार्रवाई हो जाएगी, नोटिस आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, 36 कहानी बनाएंगे, सिविल ख़राब हो जाएगा आपका। सेम कहानी, आईडी कार्ड और ऑथराइजेशन लेटर। अब क्या कहानी आएगी कि आप इनको भी मना कर देते हो कि जी बाबूजी है ही नहीं मेरे पास, तो आप प्रोसेस कर दो लीगल जो भी होता है। अब कहानी ऐसी आती है ना, बंदे पे है ही नहीं, वो सारे स्टेप अप्लाई कर चुका है, अपना गाड़ी बेच चुका है, घर बेच चुका है, अपने गहने बेच चुका है, ठीक है, वो आ गया जी है नहीं मेरे पास पैसे। अब आएगा आपको डराने का खेल, ये जो बैंक होते हैं ना डिफरेंट डिफरेंट यूज़ करती है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपका ए बैंक है तो उसने ऐसे डराया तो बी भी डराएगा, ज़रूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है एजेंट और एजेंसी के ऊपर कि वो किस तरीके का आपको टॉर्चर करना चाहते हैं, ब्लैकमेल करना चाहते हैं। तो जी थर्ड स्टेप में जब आप उसको मना कर देंगे ना है नहीं, फिर वो क्या करेगा, वो आएंगे 3 से 4 लोग, जिसमें एक बैंकर होगा, और 3 होंगे एजेंट एजेंसी की तरफ से। इसमें हो सकता है बाउंसर के भेष में भी आए, और इसमें हो सकता है आपको एडवोकेट के भेष में भी आए, कोट वोट पहन रखा होगा बकायदा, मैं ये नहीं कहूँगा फर्जी होगा, एडवोकेट ही होगा, वो जो ट्रेनी वगैरह होते हैं वो आ जाते हैं। तो इसमें भी वही आपसे डराने धमकाने की, इसमें क्या है ना, यहाँ पे बैंकर शांत रहेगा क्योंकि बैंकर आपसे RBI को साइड में रख के बात नहीं करेगा, वो बात करेगा आपको डराएगा, लीगल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन बाद में। यहाँ पे ये बिल्कुल साइलेंट रहेगा, जैसे फ़ोन साइलेंट हो जाता है ना ऐसे करके। यहाँ पे इन लोगों का काम है, एडवोकेट डराएगा आपको, एजेंट डराएगा, बाउंसर हो जाएगा, ये हो सकता है ये भी कहते हैं जी
जब तक आप पेमेंट नहीं दोगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। डिफरेंट तरीके इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों करना क्या है ना, ये यहाँ पे बदतमीजी पे आ जाते हैं। तो आपको करना क्या है, पहले तो इनको बोलना है कि सर मेरे पास पेमेंट नहीं है, जब भी होगी मैं दे दूँगा, सेटलमेंट करने के लिए मैं खुद अप्रोच कर लूँगा। नहीं मानेंगे, अभी चाहिए, अगर आपकी पेमेंट कल तक नहीं आई तो जी वकील लेके आ जाऊँगा मैं, या केस हो जाएगा, जेल हो जाएगी, डिफरेंट वर्ड यूज़ करते हैं। तो आपको करना क्या है, इनको बाइज्जत बोलना है, आप मेरे से जो भी बात करेंगे आरबीआई के हिसाब से बात करेंगे, जो भी लीगल प्रोसीजर होगा मैं प्रोसेस मतलब आपको कोऑपरेट करूँगा, आप मुझे बोलेंगे जेल चलना है जेल चल दूँगा, आप बोलेंगे थाने चलना है थाने चल दूँगा, आप बोलेंगे कोर्ट चलना है कोर्ट चल दूँगा, आप कहेंगे बैंक चलना है बैंक चल दूँगा, लेकिन आप है ना फालतू नहीं बोलेंगे मेरे से। मैं माना मैं डिफ़ॉल्टर हूँ, मैं नहीं दे पा रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जो मन में आएगा वो आप मेरे को बोलेंगे या मुझे हरेसमेंट करेंगे। इतने पे भी नहीं मानता दोस्तों, आप अपना मोबाइल लें, आप ना लें, किसी तीसरे बंदे को दे दें और यूँ वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू। एक बार वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू हो गई ना तो वो वही बात करेगा जो आरबीआई उनको अलाउ करता है। यहाँ पे वो आरबीआई को साइड में रख के बात करेगा ही। हाँ एक चीज़ और करते हैं एजेंट, जो मेरे साथ भी हुआ था, ये वाले एजेंट ये क्या करेंगे, आपको ना आपके पड़ोसी को, हाँ जी इनके लड़के ने, आप हो सकता है वहाँ मिलो नहीं मिलो, मिल जाओ तब भी, हाँ जी इन्होंने लोन लिया है पेमेंट नहीं कर रहे, एक फर्रा चिपकाएंगे A4 साइड में, वो जो नोटिस होता है बैंक का 2-3 पेजों का जो भी होता है, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको डराना होता है। हाँ लीगल होता है, लेकिन ऐसा कुछ लीगल फांसी वाला भी नहीं होता, लीगल देख लेंगे भाई हम, ये चिपका देगा आपके घर पे, और हो सकता है आपके किसी फैमिली मेंबर को कहेगा जी खड़े हो जाओ यहाँ पे, साथ में क्लिक, उसको अपने बॉस को दिखाना है जी हाँ जी मैं तो डरा आया, मैं डरा के आ गया बाबू जी, कल तो पेमेंट आनी आनी है, ठीक है। पड़ोसियों को अगल बगल में बोल देंगे, उतने पे ना आप ये स्टेप आपको देखना नहीं है, वो करेगा, आप वीडियो बना लें, आप एक बस हल्का सा नोटिस उसमें वीडियो में आ जाना चाहिए कि जी हाँ जी ये इसने पेस्ट कर दिया है, क्योंकि ना ये जो चिपकाने का अधिकार ये किसी बैंकर को नहीं है, किसी एडवोकेट को नहीं है, ये जो भी लीगल कार्रवाई होती है ये कोर्ट के थ्रू आती हैं, हमारे थाने में थाने वाले पेस्ट करते हैं जो भी होता है कुड़की वगैरह, ये डराते हैं होता कुछ नहीं, तो वो जो भी लीगल प्रोसीजर होगा वो ऐसे आएगा लीगल तरीके से, इन ये फर्जी जो चिपका देते हैं पड़ोसियों को बोल देते हैं ये नहीं होता। तो उस वक्त आप वीडियो बनानी शुरू कर लेंगे, सिर्फ आपको है ना एक उनका ना रिकॉर्ड कर लेना है कि उन्होंने आरबीआई को ना यहाँ पे पॉकेट में डाल लिया है, सिर्फ इतना रिकॉर्ड कर लो भाई साहब। उसके बाद क्या करो आप, ये जो है ना राम प्यारा, समझ रहे होंगे मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा वो वर्ड्स, क्योंकि ये जो हमारा चैनल है इसमें वो हमने सोचा है कि उस तरीके के वर्ड इस्तेमाल ना करें, तो ये राम प्यारा है इस तरीके का, समझ रहे होंगे आप क्या करना है, आप अप्लाई कर दें, ये प्योर अप्लाई कर दें, और हो सके तो इस पर ना तेल लगा के रखें बाइज्जत से, और ये अप्लाई कर दें। अब होगा क्या दोस्तों, पहली बात तो वो आपके ना कैमरा देखते ही भग जाएगा, और अगर नहीं भगा आपने ये अप्लाई कर भी दिया ना तो आपकी कंप्लेंट भी नहीं करेगा दोस्तों वो, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उसने आरबीआई को साइड में रख दिया था, और उसने वो काम किए हैं जो एज पर लॉ होता ही नहीं है, तो पहली गलती उसने कर दी। अगर कोई केस बनता भी है आप पे 107 लगेगी लड़ाई की, और उस पर पता नहीं कौन कौन सी धाराएं लगेंगी, गलत मतलब धमकाने की, हरेसमेंट की, टॉर्चर की, गलत जानकारी देना कुड़की हो जाएगी, या बहुत सारी चीज़ें वर्ड वो इस्तेमाल करते हैं, अड़ोसी पड़ोसी में जो बोलते हैं आपका क्या बोलते हैं आपकी छवि ख़राब करने की, मुझे दोस्तों मैं वकील नहीं हूँ तो मुझे धाराएं नहीं पता, थोड़ी बहुत जो बता दी 107 वो बता दी, तो वो कभी भी कंप्लेंट भी नहीं करेगा, कर भी देता है ना तो उसकी पनिशमेंट ज़्यादा है, आपकी तो लड़ाई झगड़े की है,
आप कल जाएंगे, आपका जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा वहाँ से आपको बेल मिल जाएगी और उसकी जो धाराएं लगेंगी ना तो वो वही जानता है, तो इसलिए वो कंप्लेंट करने भी नहीं जाएगा। तो आप डरे नहीं दोस्तों, आपको अपने अधिकार पता होने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये राम प्यारा ही आपको अप्लाई करना है, ठीक है, आपको उससे तरीके से बात करनी है और तरीका मैं एक बार फिर बता देता हूँ। पहला तरीका यह है कि बाबूजी ऑथराइजेशन लेटर ले दिखा दो मुझे। दूसरा आईडी कार्ड, 90% और मैं 99 कह सकता हूँ ये तो सबों के पास होगा क्योंकि उन्हें पता है विजिट पर जा रहे हैं, ये नहीं होता 99% लोगों में। आप यहीं मुकर जाओ जी, मैं तो बात ही नहीं करता जी आपसे, मुझे कैसे पता आपको बैंक ने मेरे केस पे असाइन किया, मेरा तो डेटा लीक हो गया था, मुझे कैसे पता। आप RBI की गाइडलाइन प्रिंट करा के रखो, उसको दिखा दो लो जी। और हाँ एक चीज़ और गलती करते हैं ये लोग क्या करते हैं, इनको है ना RBI बोलता है कि जब भी हमारा केस किसी भी एजेंसी को असाइन होता है तो उसका नेम, एड्रेस एंड, दोस्तों एंड वाली चीज़, नंबर ये एजेंसी का, कि सपोज़ 1 2 3 4 5 ये मोबाइल नंबर है, इससे कॉल आएगी और उसी से कॉल आए कस्टमर के पास, लेकिन बहुत कम आते हैं। कुछ बैंक में देखो, फिर अगेन नाम नहीं लूँगा, एक बैंक है ये करके, अब समझ जाएंगे आप, मैसेज भेजता है कि जी ये केस हमारा इस एजेंसी को साइन है, एक बैंक है आपका ये करके ये मैसेज भेजता है कि जी ये केस आपका इसको साइन है, ठीक है। जो नहीं भेजता उसमें है नाम ये बैंक है, मतलब ही नहीं है, क्योंकि इनको RBI से हट के काम करना है भाऊ जी। अगर ये डिटेल भेज देंगे और उसको हरेसमेंट किया जाएगा तो वो बंदा पहुंच जाएगा उनके एड्रेस पे कि हाँ भाई कौन सा था, आ निकल के वो ये राम प्यारा ले जाएगा ये वाला कि आ भाई इधर आ। तो ये वाला बैंक नहीं शेयर करता। एक बैंक और है दोस्तों, ठीक है, मैं इसमें कुछ अल्फाबेट अपनी तरफ से जोड़ रहा हूँ, ठीक है, आप समझ जाएंगे। तो कुछ बैंक ऐसे हैं जो बिल्कुल ही RBI को रख लेते हैं यहाँ पे साइड में, अब ये पता नहीं कहाँ तक इनकी साठ गांठ है, ये क्यों नहीं बताते कस्टमर को और कोई इन तक क्यों नहीं पहुँचता कि भाई ये बता नहीं रहे हैं। तो दोस्तों अब पता नहीं आपको मेरी जानकारी दी हुई अच्छी लगती है या नहीं, मुझे बताना ज़रूर, और आपको बस डरना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ कैमरा ऑन कर लेना है, बस किसी से ऑन करा दो, आप बात करो उससे कोई खा नहीं जाएगा, आपसे पोलाइटली बात करेगा, बाबू जी सर आपके ये पेमेंट है, आप ये कैसे करा रहे हैं, क्यों करा रहे हैं, सिंपल शब्दों में, पढ़े लिखे शब्दों में पहले जवाब देना, नहीं दे तब अप्लाई करना है रामलाल, ऐसे अप्लाई नहीं करना। बाबू जी मेरे पास है नहीं, मैं फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा हूँ, या जो भी है आपका बता दो, मेरे पास जब भी आएगा फ्यूचर में मैं खुद अपनी तरफ से पहल करके सेटलमेंट के लिए पहल कर लूँगा। या आप क्या कर सकते हैं, मुझसे पूछ भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं पूछ सकते, लेकिन किंतु परंतु बंधु मुझे हरेसमेंट ना करने की कोशिश करना, हरेसमेंट करने की कोशिश ना करना, मुझे हरेस करोगे तो मुझे पता है जी मेरे अधिकार क्या है, बस इतना सुनते ही ना वो तुरंत निकल लेगा, अपना उसमें डाल देगा RTP फुल फॉर्म। दोस्तों बहुत लोग पूछते हैं, रिफ्यूज टू पे, बंदे ने मना कर दिया नहीं देगा जी, नहीं होती है।
तो आपके पास कोई भी कॉल भी आए ना, आप उसको कह सकते हैं जी आप ये डाल दो, आगे भेज दो। ठीक है दोस्तों, जय हिंद। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों ये मेरा नया चैनल है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। जय हिंद।